जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली बात तो यहाँ पे चल पड़ी थी, क्यों मोहित सर? मुझे ऐसा लगा कि हरियाणा जीतेगी और जिंदगी दोबारा मिलेगी, लेकिन हरियाणा के हारने से जिंदगी किसी और को मिली है। ये हो जाता है ना कि जब कोई डूब रहा हो और डूब के जब उसे बचाया जा रहा हो तो कोई दूसरा बंदा अपनी सांसें उसके मुंह में डाल के, है ना, सांसें उसके मुंह में डाल के उसको जिंदा कर देता है। तो ऐसा ही मुझे लगा कि पुनेरी पलटन जो अचेत अवस्था में थी, पटना पायरेट्स ने उसको जिंदा कर दिया है। जी बिल्कुल सर। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं खेल नाउ टीवी और आज के जो मैचेस हैं, पहले तो मैं स्वागत करूंगा हमारे इंटरनेशनल प्लेयर मोहित छिल्लर जी का। तो आज के जो निर्णायक मैच से प्लेऑफ की दौड़ में अब पहुंच चुकी है 6 टीमें और आपके जो यहां पे मैसेजेस आ रहे हैं, हरियाणा में विकास कंडोला नहीं चला, सो सैड। विकास कंडोला अगर उस वक्त टैकल नहीं होते जब सुपर टैकल वो हो रहे थे तो मुझे लगता था कि मैं आज हरियाणा की तरफ था, मुझे लग रहा था कि आज हरियाणा कुछ करेगी। आज जो सुरेंद्र नाड़ा ने दो टैकल की कोशिश की, अच्छा था सुरेंद्र नाड़ा का प्रदर्शन। लेकिन सर मुझे क्या लगता है कि जब किस्मत नहीं होती आपकी, जब किस्मत में लिखे हो पकौड़े तो कहाँ से मिलेंगे छुआरे आपको? किस्मत में लिखे पकौड़े कहाँ से मिलेगा प्लेऑफ का सफर? जी हाँ, सही बात है, यही बात है। तो अब देखो, खाओ अब पकोड़े भाई साहब, अब प्लेऑफ में जाके क्या करेंगे आप? अब देखो अब टीवी का बाहर से नजारा बैठ के आपकी किस तरह से ये चीजें चल रही है। फिलहाल आपको बता दूं कि बोल कबड्डी खेल कबड्डी दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय ओमेगा सेकी मोबिलिटी और हमारे पोलिंग पार्टनर है परिमैच। परिमैच है दिल से देसी। तो फिलहाल यहाँ पे आप हमारे साथ बन चुके हैं तो परिमैच का मैं एक वीडियो आपके लिए सबसे पहले प्ले करना चाहता हूँ ताकि बाद में हम डिस्टर्ब ना हो और आप बोलते हैं कि हमेशा पहले आप परिमैच का वीडियो प्ले कर लिया करें। अंकुश जी प्लीज। दिल धड़क धड़क नस फड़क फड़क तुझे सांस सांस तड़पाना है तेज बसड़ तू खेल बेधड़क गेम है शुरू बज गया बजर। डाउनलोड दी ऐप नाउ। परी मैच है दिल से देसी 150% से लेके 12,000 रुपए तक का यहाँ पे स्पोर्ट्स वेलकम बोनस है। इसी के साथ 24/7 कस्टमर केयर सर्विस और 7500 यानी कि 7,500 रुपए तक की विड्रॉल के लिए कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है। बहुत से गेम्स पे छूट है। आज ही डाउनलोड कीजिए परी मैच और अपनी जिंदगी बदल दीजिए। ये है दिल से देसी। तो फिलहाल आइए आज के तीनों मैचों की बात करते हैं। सबसे पहले आज का जो अभी अभी खत्म हुआ है मैच पटना पायरेट्स और हरियाणा। सर आज हरियाणा के हारने का क्या कारण रहा? गौतमाई हरियाणा स्टीयर्स के हारने का कारण मैन था वो, जैसे हमने प्री मैच में भी पहले बताया था कि पटना का सटना, पटना ने जो टीम उतारी, अपनी मैन टीम उतारी है, वही सबसे बड़ा कारण रहा हरियाणा स्टीयर्स यहाँ का हारने का, क्योंकि पुनेरी पटना पायरेट्स की टीम फॉर्म में चल रही थी। दबंग दिल्ली के साथ मैच था जब अलग टीम देखने को मिली और आज कोच साहब दिमाग से खेल गए और हरियाणा स्टीयर्स को बाहर करके पुनेरी पलटन को आगे कर दिया और जयपुर पिंक पैंथर, पुनेरी पलटन ने जयपुर पिंक पैंथर को हरा के बुल्स को क्वालिफाई कर दिया। तो सर आज पटना का जो मैच था हरियाणा स्टीयर्स के साथ, सबसे बड़ा कारण पटना की मेन टीम खिलाना था और सही दिमाग लगाया, इसलिए हरियाणा स्टीयर्स बाहर हुई, क्योंकि पटना की जो मेन टीम है वो अच्छी तो है ही। गौतम भाई यहाँ शक की बात नहीं है, हरियाणा स्टीयर्स में विकास कुंदोला नहीं चले, आशीष 8 पॉइंट लेके आए, आज हर एक चेहरा खिलाया। सुरेंद्र नाड़ा ने भी 2 टैकल किए, रवि ने भी 1 टैकल किया, जयदीप ने 5 टैकल किया, हाई फाइव पूरा किया। तो आज हरियाणा स्टील का कहीं ना कहीं डिफेंस अच्छा था, लेकिन रेडिंग डिपार्टमेंट में विकास कुंदोला की सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो वो सुपर टैकल करा के आए, फोर्स लगाया नहीं उन्होंने। जब आप इनफॉर्म नहीं चल रहे तो आशीष इनफॉर्म चल रहे तो आशीष को क्यों नहीं भेजा गया, वो सबसे बड़ी गलती थी हरियाणा स्टीलर्स की और कहीं ना कहीं हरियाणा स्टीलर्स जीत सकती थी अगर वहाँ कंदोला का सुपर टैकल नहीं होता। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आप सभी का यहाँ पे आपके मैसेजेस, उज्ज्वल, हर्ष, सुबोध, बालियान, गौतम, आज जो विकास कंडोला नहीं चला, सही बात है, अगर विकास कंडोला का औरन खटोला चलता तो हम प्ले ऑफ में देखते हमारी हरियाणा को। विकास चंदेल कहते हैं कि नहीं मोहित सर, आखिरी रेड में विकास कंडोला का नहीं जाना चाहिए था। सही कह रहे हैं आप, जो सुपर टैकल हुआ उसने वहां पे बदल दी सारी की सारी गेम। मैं देख रहा था कैसे उनके कोच मुंडी झुकाए खड़े थे, अब क्या करोगे मुंडी झुकाकर।
जब सुंडी ले गया है आपके नंबर। तो पटना वालों ने फिर से आज लिट्टी चोखा का दम यहाँ पे बताया और पटना ने ये बताया कि हम में है दम, हम नहीं किसी से कम। पटना पायरेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है अभी तक बहुत शानदार रही है, लेकिन आज जो पुरानी टीम उतारी थी हाई फाइव कोई नहीं लगा पाया। लेकिन मुझे यहाँ हाई फाइव शार्दुल, माफ कीजिएगा, हाई फाइव नहीं, सुपर टेन की मैं बात कर रहा हूँ। शार्दुल तो सर, शार्दुल तो हीरो है, इस बार के हीरो बन गए शार्दुल। क्या कॉन्फिडेंस है यार, गजब का। डाइव मारते पता है ये टैकल होना ही है। और आज एक बात बताऊं मेरे प्यारे सुरेंद्र नाड़ा जी, आपका एंकल होल्ड देख के पुराने दिन याद आ गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद जो है उन्हें कोई भी टीम रिटेन नहीं करेगी। जिस तरह से बातें अब अंदर से चल रही है, सुरेंद्र नाड़ा जो है नाम के साथ बदनामी भी जो है साथ में लेके चल रहे हैं। सुरेंद्र नाड़ा हो गए, जीवा हो गए, मनजीत छिल्लर जो उम्र के हिसाब से हो गए, तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो पुराने प्लेयर्स अब घर में बैठ के अगले सीजन में शायद ये हमारे साथ आपको सारे प्लेयर्स मिले। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे मतलब मैं कह नहीं रहा हूँ। तो फिलहाल आज आपको यहाँ पे क्या कहोगे आप, क्योंकि डिफेंस जो है मैं देख रहा हूँ डिफेंस बहुत बढ़िया चला है आज पटना का, और इसी के साथ रेडिंग भी मिला जुला यहाँ पे पटना ने काम किया। गौतम भाई, पटना का काम हमेशा यही रहा, पटना ने टीम गेम खेले है और टीम खेल गेम खेलने की वजह से ही पटना पायरेट्स आज टेबल पे नंबर वन पे, और यही होता है टीम गेम। पटना से और टीमों को सीख लेनी चाहिए कि डिफेंस में आप अपना काम करो, राइटिंग डिपार्टमेंट में सुपर टेन की जगह नहीं, हम पॉइंट लेने की जगह खेलेंगे। जी हाँ, तो अगर हम बात करें यहाँ पे अब देखिए स्टैंडिंग की, तो पटना पायरेट्स क्वालिफाई वन और टू दबंग दिल्ली सीधी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और अब अगले मुकाबले होंगे यूपी योद्धा, गुजरात जायंट्स, बंगलुरु बुल्स और पुनेरी पलटन के बीच में। तो यहाँ पे आपको किस सीक्वेंस में लग रहा है कि कैसे अब मैच होंगे, जरा वो आप वहाँ पे बताइए। सर, पटना और दबंग दिल्ली सेमीफाइनल में है, यूपी योद्धा का और पुनेरी पलटन का मैच है, और गुजरात जायंट्स का और बेंगलुरु बुल्स का ये मैच होने हैं 21 को, मतलब 21 फेब को ये मैच होने हैं, और बड़े शानदार मैच होंगे। तो देखते रहिए, जुड़ते रहिए खेलना उठी से, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अभी आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे लगता है कि अगले मैच में पुनेरी पलटन को अपने पुरानी पलटन के साथ वापस लौटना चाहिए, राहुल चौधरी, नितिन तोमर, पवन कादियान, पंकज मोहिते, मोहित गोयल, इन लोगों के साथ इनको उतरना चाहिए। खतरनाक टीम है, असलम इनामदार जैसे सभी, मैं कहता हूं कि मुझे यहां पे क्या लगता है कि ये पुनेरी पलटन जो है वो अगले मैच में कुछ धाकड़ काम कर सकती है, क्योंकि सर पुनेरी पलटन का जो मैच यूपी योद्धा के साथ है, यूपी योद्धा का डिफेंस जो है हमने थोड़ा इस बार देखा है कि थोड़े कम चल रहे हैं, और वरुण सैनी का यहां पे सुपर चैट आ चुका है, यहां पे आज बोनी कराई है वरुण सैनी ने 200 रुपीज की। तो सुपर चैट में इन्होंने सवाल पूछा है, हरियाणा की हार जो है वो सैडली उसे दिल टूट गया है, फ्लॉज इन हरियाणा राइट कॉर्नर टू वीक, ऑलवेज चेंजिंग रेडर्स इन स्टार्टिंग सेवन, राकेश भाई को एंड में जो है देखा बहुत बुरा लगा, और होप हरियाणा एंड सुमो कम बैक स्ट्रांग हो जाएगी, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन आज मेरा भी दिल टूटा है वरुण भाई। मैं भी चाह रहा था कि आज जो है हरियाणा जीतती और हरियाणा को मैं फाइनल में देखता, पता नहीं क्यों मुझे ऑन पेपर ये टीम बहुत स्ट्रांग थी, पहले दिन से बड़ा विश्वास था, लेकिन हरियाणा के लठ को इस बार तेल नहीं पिलाया गया था सर, क्या बिल्कुल गौतम भाई, हरियाणा टीम बड़ी यंग और एक्सपीरियंस से भरी हुई थी और स्ट्रॉन्ग भी लग रही थी ऑन पेपर भी, और जैसे मैच हरियाणा स्टीयर्स ने खेले थे वैसे भी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, बड़े नाम थे, विकास कंदोला, मित्तू शर्मा जिसकी हमने बात सुनी थी, विनय और रोहित गुलिया, तो काफ़ी बड़े बड़े नाम थे हरियाणा स्टीलर्स में, लेकिन अपना जलवा नहीं दिखा पाए, और ये लास्ट में शायद मेरे को लगता है कि एक पुनेरी पलटन से मैच हारना सबसे भारी पड़ा हरियाणा स्टीलर्स को, और आज हरियाणा स्टीलर अगर वो मैच जीत रही होती तो हरियाणा स्टीलर्स को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, आज टाई भी रहती या एक पॉइंट ले लेती तो हरियाणा स्टीलर क्वालिफाई हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा स्टीलर्स की आज किस्मत बहुत खराब थी। जी हाँ, तो यह पीयूष कुमार यादव, ये इंग्लिश ने लिखा है, से दिल टूट गया ऐसे लिखा है, तो इसको क्या पढ़ोगे आप, हैं जी, ऑलवेज चेंजिंग रेडर्स इन स्टार्टिंग सेवन, क्या पढ़ोगे भैया। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई की, वरुण की, कि हरियाणा स्टीलर्स में जो हमने स्टार्ट हुई लीग जब देखे तो रेडर कुछ और थे, रेडिंग डिपार्टमेंट कुछ और था, बीच में कुछ हो रहा है, एंड में कुछ हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट चलते रहते थे।
बिल्कुल, तो यहाँ पे उज्जवल गोयल कह रहे कि सर क्या बात है, मजा आ गया, बुल्स क्वालिफाई हो गया। सर बुल्स का क्वालिफाई होना हमें पहले पता नहीं लग रहा था, लेकिन बुल्स के क्वालिफाई होने के पीछे वो कौन सा जिन है जो सर पुनेरी पल्टन ने जो जयपुर पिंक पैंथर को जयपुर पिंक पैंथर को हराया, वही पुनेरी पल्टन एक ऐसे पंडित थे जो पुनेरी पल्टन अपने आप को भी क्वालिफाई करागी और बुल्स को भी क्वालिफाई करागी। सही कहा आपने। तो देखिए यहाँ पे किसी के जीतने से किसी का फायदा, किसी के हारने से किसी का फायदा, और यही अब होता है यहाँ पे। तो देखिए मुझे हेमंत कुमार बघेल कह रहे हैं कि गौतम सर अब फाइनल में किन दो टीम को देखना चाहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से कि आप जो है फाइनल में किन दो टीम्स को देखना चाहते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी तो कभी बात सही होती नहीं है, लेकिन मैं पटना पायरेट्स को देखना चाहूंगा और यूपी योद्धा को मैं फाइनल में देखना चाहूंगा, क्योंकि यूपी योद्धा में प्रदीप भाई हैं अपने और सुरेंद्र गिल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बस यूपी योद्धा नहीं, तो मैं अगर यूपी योद्धा किन्हीं कारणों से नहीं जीत पाती है तो मैं उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो आप बता सकते हैं सर, आप फाइनल में किन दो टीमों को देखना चाहते हैं? सर मैं पटना और पुनेरी पल्टन को देखना चाहता हूं। पटना पुनेरी पल्टन आपकी क्यों फेवरेट है, एक बात बताओ सर। पटना में सर जो यूनिटी है टीम में वो बड़ी अच्छी है, राइडिंग डिपार्टमेंट उनका बड़ा जबरदस्त है, और शादलू के साथ जो डिफेंड में काम करते हैं वो भी बड़ा मस्त, और पुनेरी पल्टन की यंग टीम है तो पुनेरी पल्टन को तो सर जरूर देखना चाहूँगा, और अनुप कुमार की टीम है तो इनको भी मैं फाइनल में देखना चाहता हूँ। जी हाँ, पेश कुमार यादव कहते हैं गलत भैया गलत, पटना मर्जी दिल्ली। अरे दिल्ली की एक बात देखो ना, अब दिल्ली अगर फाइनल में पहुंची है तो नवीन थोड़े चोटिल है, मुझे लगता है कि उनको आराम दो यार, क्यों फाइनल तक पहुंचा रहे हो उन्हें, लेकिन अभी भी उनके आगे बहुत बड़ा चैलेंज है और सेमीफाइनल एक अपने आप में बड़ा मैच होगा, तो देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है कौन सी नहीं। और यहाँ पर यूपी योद्धा पटना, कोई यू मुंबा कह रहा है, भाई यू मुंबा के लिए आंसू मत बहाओ, यू मुंबा ने काम ही आज ऐसा किया है। फिलहाल पटना पायरेट्स और हरियाणा की हमने यहाँ पे बात की, सुरेंद्र नाड़ा का एक एंकल होल्ड देख के मजा आया, जयदीप एक अच्छे डिफेंडर है सर, और जयदीप का बहुत बढ़िया मुझे आगे फ्यूचर लग रहा है। जी बिल्कुल सर, और विकास कंडोला का फ्यूचर मुझे डबाडोल लग रहा है। नहीं सर, ये सीजन विकास कंडोला के लिए कहीं ना कहीं खराब रहा है, मैंने देखा है एक दो मैच में ही चले हैं, लेकिन पिछले दो तीन मैच से इनफॉर्म चल रहे थे, इनफॉर्म नहीं आउटफॉर्म चल रहे थे सर, तो मेरे को लग रहा है कि विकास कुंदोला का ये सीजन कहीं ना कहीं खराब रहा है। लेकिन जयदीप एक नए सितारे उभर के सामने आए हैं, जो जयदीप ने काम किया है आज भी वो हाईफाई लगा के, जयदीप बड़े अच्छे सितारे उभर के सामने आए, तो जयदीप एक परफेक्ट डिफेंस है यहाँ पर। सही कहा आपने। तो चलिए आज के पोल पे चलते हैं, पोल, दिस पोल इज प्रेजेंटेड बाय परिमैच, हीरो ऑफ द डे सरपंची चल रैली है यहाँ पे सचिन तंवर, राकेश और मोहित गोयत के बीच में। सचिन तंवर 42% वोट के साथ नंबर वन, 39% वोट के साथ मोहित गोयत नंबर टू, और राकेश 19% वोट के साथ है थर्ड पोजीशन पे। आज यहाँ पे परी मैच प्रेजेंटेड हीरो ऑफ द डे, मोहित भाई कोच कोच हो गए क्या? नहीं भैया, ओम सारस्वत प्रधान जी, यो प्रधान हो गए अब, हाँ यो एमएलए हो रहे अब यहाँ पे, हाँ दिक्कत के है भाई, ये बताओ है कहाँ दिक्कत है। अकेले अर्जुन देशवाल कुछ नहीं कर पाया, एक रेडर कभी जो है मैच नहीं जिता पाता। एक बात बताऊं आपको कि ये बात तो मुझे लगते है, अकेला रेडर कुछ नहीं कर पाता, ये बात तो मुझे बंगाल वॉरियर को देख के लगती है कि वहां पे अकेला मनिंदर बेचारा जो है अकेला चला, कहते ना पहाड़ पे टकरा के उसने पहाड़ फोड़ा है सही, लेकिन पहाड़ बनाया उसने अपने पॉइंट्स का। तो यहाँ पे गुजरात जायंट्स और यू मुंबा की अगर बात करें मोहित सर, तो आपको दोनों टीमों का आज परफॉर्मेंस, आज दोनों टीमों का रीडिंग और डिफेंस आपको ओवरऑल कैसा लगा? सर मैं यू मुंबा की बात करना चाहूंगा, अजीत के अलावा कोई नहीं चला रेडिंग डिपार्टमेंट में। अगर डिफेंस की बात करूँ तो फैजल तीन ही पॉइंट लिए फैजल ने, और एक दो पॉइंट अदर डिफेंस ने लिया है, रिंकू ने भी एक दो पॉइंट लिए, तो आज यूम्बा का डिफेंस खास नहीं खेला, यूम्बा डिफेंस कभी खास खेलता ही नहीं है, लेकिन अजीत के साथ किसी ने नहीं दिया। अभिषेक की बात करें हम इतना, और टीम हार गई थी सर, यूम्बा पहले ही बाहर हो चुकी थी, तो आज जयपुर पैंथर के सॉरी बात कर रहे थे हम किसकी सर, यू मुंबा की और गुजरात की, यू मुंबा हार गई थी, लेकिन यू मुंबा आज गुजरात को हराकर
गुजरात का भी पत्ता साफ कर सकती थी, लेकिन यूमुम्बा में वो चीज़ दिखाई दी नहीं आज तक। अगर डिफेंस ठीक ठाक चला सर, लेकिन यूमुम्बा का डिफेंस कभी कभी चलता है, आज भी नहीं चल पाया है। हर एक प्लेयर का मिला जुला रूप रहा है। अजीत के अलावा रेडिंग डिपार्टमेंट में कोई चेहरा सामने नहीं आया। और वहीं जयपुर पिंक पैंथर की बात करूँ तो मैं सर, सॉरी गुजरात की, जयपुर पिंक पैंथर मुँह पे आ रही है सर, क्या बात है, जयपुर पिंक पैंथर के क्या हो गया, वो बाहर हो गई ना सर, आपको याद आ रही है सर। गुजरात की बात करूँ तो मैं राकेश एचसी, जो बड़ा अच्छा कमाल का प्रदर्शन किया है, डिफेंस भी अच्छा खेला है, ग्रीश भी अच्छा खेला है, ग्रीश ने अपना हाईफाई पूरा किया, तो मेरे को लगता है कि सर यहाँ पर राकेश के अलावा अगर बात करूँ तो मैं जैसे अजय की, अजय नहीं साथ दे पाए, और रेडिंग डिपार्टमेंट में एक राकेश ही ऐसे चेहरे दिख रहे थे जो आज टीम को आगे लेके जा रहे थे। बट दो मैच से गुजरात का डिफेंस काफी अच्छा कर रहा है और जीतने की वजह डिफेंस ही है सर। जी हाँ, गौरव गुप्ता कहते हैं कि मोहित भाई आपको इस बार पटना बहुत पसंद आ रही है, अगले सीजन में खेलोगे आप? देखिए पटना से खेलोगे, देखते हैं, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अगले सीजन में कौन सी टीम मोहित जी को जो है लेती है, और ये तो वो वक्त ही बताएगा आपको। फिलहाल यहाँ पे सर दिल्ली फाइनल जीतेगा। पहाड़ी गेमिंग कह रहे हैं, अरे पहाड़ी गेमिंग भाई किच्छ तो तू भाई किचू कुछ हुआ कर भाई तेरा, मैंने बता दें। यहाँ पे भूपेश कहते हैं कि हरियाणा क्वालिफाई होना चाहिए था, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या लगता है कि गौरव वो तो ऑक्शन तय करेगा ना कि मोहित भाई के, जी हाँ खेला, वही बोल रहा हूँ कि वो तो ऑप्शन तय करेगा। यहाँ पे हेमंत कुमार बघेल कह रहे हैं कि पटना इतनी अच्छी चल रही है लेकिन आगे पटना के लिए जो है खतरा है। भाई किस बात का खतरा आपको लग रहा है, ये बताइए। जी हाँ, यूपी उधर गुजरात और पुनेरी पलटनी है, तीन टीम पटना को फाइनल से निकाल भी सकती है। मुझे लगता है कि दम तो है वैसे यूपी योद्धा में भी, गुजरात में भी, लेकिन आप इसमें बेंगलुरु बुल्स को क्यों भूल गए, पवन सिरावत की जो अब फिरकी यहाँ पे चल रही है, वो बंदा अकेला ही पुष्पराज बना हुआ है, फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, तो मुझे लगता है कि वो मैं झुकेगा नहीं उसके साथ हो गया है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे आप लाइक कर दीजिए हमारी इस वीडियो को, 197 की वॉचिंग, लेकिन मैं यहाँ पे 154 में लाइक्स देख रहा हूँ, 156 हो चुके हैं, यहाँ 155 156 बढ़ाइए यार, दबाइए दबाइए, चारों तरफ से दबवाइए, लाइक्स बढ़ाइए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए आप यहाँ पे। और गुजरात जीतेगी फाइनल में, तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है यार, कोई भी जीते, लेकिन कल की बात है, कल एनिमेशन वो मैच है सर, कल दो मैच है ना 21st को, तो मंडे को दो मैच है, तो सर कल की बात है, परसों आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, लेकिन जहां तक लग रहा है मैच बड़े टफ होने वाले हैं अभी। सही बात है, चौके मैच होंगे भैया, आप थोड़ा सा तैयार रहिए। और आज बता दूं आपको कि एलिमिनेटर में गुजरात और बेंगलुरु का मजा आएगा। जी हाँ, मजा तो भर एक मैच में आने वाला है, क्योंकि इन जो छह टीमें हैं इन्होंने किया है कमाल पूरे सीजन में धमाल, और इसी की वजह से बदौलत ये है आज यहाँ पे। आज अगर हरियाणा भी करती थोड़ा सा कमाल तो आज इस टॉप टेबल पे आपको वही दिखाई देती यहाँ पे। तो फिलहाल गुजरात की अगर बात करूं तो अजय आज कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी बात है उनके पास जो है महेंद्र राजपूत इस टाइम चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है महेंद्र राजपूत का चलना कहीं एक अच्छी बात मुझे नजर आ रही है। लास्ट मैच में जो उनका कल का मैच था उसमें भी चले थे, हम तो हमेशा कह रहे हैं महेंद्र राजपूत को प्लेइंग सेवन में नहीं लेना चाहिए, सब्स्टिट्यूट में लेना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने दिखा दिया कि मोहित भाई आप गलत बोल रहे थे। नहीं सर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये एक दो मैच के लिए, मेरी बात भी मान लो आप। हाँ मान गया मैं, अब ये आ गए हैं यहाँ पे तो कुछ कर ही देंगे। तो फिलहाल चलते हैं इस मैच के, इस आज के मैच के अगले मैच के डिस्कशन पर, पुनेरी पलटन वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर। बड़ा दुख हुआ मुझे आज जयपुर के लिए सर। अच्छा पिंकी, कालू पिंकी नहीं आए, कालू पिंकी नहीं आए, आपका आपका तो भैया जो है जयपुर से बड़ा पुराना रिश्ता है, वहां के रिजॉर्ट में आप जो है घूमने जाते रहते हैं हमेशा, अक्सर जो है ऊंट की सवारी करते हैं, लेकिन फिर भी आज ऊंट को पानी। इसका मतलब आपने मेरा सारा इंस्टाग्राम छान रखा है, सारा इंस्टाग्राम सर, सारा बिल्कुल एकदम से। मैं मोहित सर, मैं आपका इतना बड़ा फैन था और आज भी हूँ कि ये तो टचवुड आप हमारे साथ है, खेलनाओ टीवी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। मैंने कहा कि मोहित भाई मुझे यहाँ चाहिए, तो वो लेके आए सर आपको यहाँ पे, तो आपकी वजह से मैंने बताया कि मेरा तो मैं तो मतलब रिलेशनशिप में था, फिर सिंगल हो गया, फिर उसके बाद जो है हाथों की लकीरें खींचनी पड़ी आपके चक्करों में। तो फिलहाल पुनेरी पलटन और जयपुर पिंक पैंथर की अगर बात करें तो 37-30 के आंकड़े से आज पुनेरी पलटन ने जयपुर पिंक पैंथर को हराया है। तो सर पुनेरी में आज आपको ऐसा क्या
लगा जो आज जयपुर नहीं दिखा पाई? सर पुनेरी पलटन की बात करूँ तो मेरे को पुनेरी पलटन में सबसे ज्यादा एक ही शख्स है जिसने घायल कर रखा है सर, जिसका नाम है मोहित गोयत, और मोहित गोयत ने बड़ा अच्छा काम किया सर, 14 पॉइंट और टैकल पॉइंट भी लिए है। असलम इनामदार आज चले हैं, कल मैच में नहीं चल पाए थे। नितिन तोमर एक ही पॉइंट है, विशाल भारद्वाज के 3 पॉइंट है सर। पुनेरी पलटन की अगर यहाँ जीत की बात की जाए तो सारा श्रेय रेडिंग डिपार्टमेंट में जाता है कि रेडिंग डिपार्टमेंट ने जितना साथ दिया पुनेरी पलटन का शायद पहले नहीं मिला होगा। साथ साथ थोड़ा सा डिफेंस ने भी अच्छा साथ दिया, टाइम के टैकल जो किए हैं पहले नहीं किए, लेकिन टाइम के जो टैकल किए हैं उन्होंने डू और डाई के, वो बड़ा शानदार था। जयपुर पिंक पैंथर की बात करूँ तो सिर्फ एक लौते प्लेयर थे अर्जुन देसवाल, उनके अलावा वहाँ किसी ने कुछ नहीं किया। डिफेंस की बात करें तो लचर अर्जुन देसवाल ही इस टीम का एक, जैसे दबंग दिल्ली के लिए हम नवीन बोल सकते हैं, बुल्स के लिए हम पवन बोलते हैं, और जयपुर पिंक पैंथर के लिए ऑलवेज पहले मैच से लेकर और अब तक अर्जुन देसवाल यही एक सितारे रहे हैं। सही कहा आपने। तो यहाँ पे नाड़ा जी के लिए बहुत प्यार दिखा रहे हैं, मैट कृष्णा भी कह रहे हैं, और यहाँ पे बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि नाड़ा जो है किंग रहेंगे। तो ठीक है यार, मुझे तो लगता है कि नाड़ा जी किंग है, लेकिन जो रो रहे थे उनको रोने दीजिए, क्योंकि कुछ हिस्ट्री में आपको कुछ करना पड़ता है ऐसा कि आंसू जो है खुद ही पोंछने पड़ते, कोई दूसरा आता नहीं है। देखिए आंसू पोंछने वाले तो आ जाए, लेकिन सर्दी में नाक बह जाए भैया वो कोई नहीं पूछता। उज्जवल गोयल कहते सर बेंगलुरु के कोच साहब ने कहा था कि वो के घर वो क्वालिफाई होगी तो वो फाइनल तक जाएंगे। तो ये हो सकता सर, 21st को आपको पता चल जाएगा कि कोच की वाणी में कितनी सरस्वती विराजमान कर रही थी और उनकी सोच कितनी अच्छी है। जी हाँ, दीपक चौधरी कह रहे हैं भैया एक बिहारी सब पे भारी, फिर एक बार चार बारी। यस भैया, एक नहीं चार बारी चिखे कटा दिया भैया पटना ने इस बार। साहिल भट्टो कह रहे हैं कि सर आई थिंक इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन पुनेरी क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ है सर, ऐसा है सर? मतलब कि जो पुनेरी है वो पहली बार जो हाँ है सर बिल्कुल प्लेऑफ के लिए पहुंची है। अरे अरे भैया, और ये सारा काम सर सारा श्रेय जाता है अनु कुमार को। क्या बात है। हर्षराज कहते हैं कि भाई अब तो बताओ इस बार की चैंपियन कौन होगे, हमारी नजरों में चैंपियन है यहाँ पे जी पटना का सटना, जी पटना में सटना लग रहा चैंपियन वही हमारे लिए। तो शांतनु सिंह कह रहे हैं कि राकेश सर रो रहे थे तो भैया रुमाल नहीं था मेरे पास, मैं दे देता। अब रोने से क्या फायदा यार, टीम हार जाती तो इमोशनल मोमेंट तो हो ही जाते हैं, आंखों से आंसू आ ही जाते हैं, नाक बहनी शुरू हो ही जाती है, क्यों सर? जी बिल्कुल, जब आपका पहला ब्रेकअप हुआ था आप भी तो रोए थे। मेरा मैंने सर ऐसी कोई चीज पाली नहीं है जिंदगी में। अच्छा ठीक है, जिसकी वजह से आंसू निकले। जी आंसू निकाले आपने? हाँ निकाले, चीखे निकलवा दी है पूरे वाले। अरे वाह। विनय कह रहे हैं कि सर ये हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, पुनेरी जो है पहुंच गई है प्लेऑफ में, बल्ले बल्ले बल्ले, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अनूप कुमार क्या लड़कों को लड़ाया है, सही बात है यार, अनूप कुमार का जो कोचिंग है वो यहाँ पे दिख रहा है। और फिलहाल आपका लाइक्स मुझे नहीं दिख रहे मोहित भाई, एक बार उसी जोश के साथ लाइक्स के लिए तो बोलिए सर प्लीज, 300 लाइक तक, 350 तक पहुंचा दो यार, चलो 300 तक पहुंचा दो, मैं भी कंफ्यूज हो गया, 300 ही कर दो यार। 220 लोग देख रहे हैं हमें। जी क्या बात है, 231 की वहां पे वॉचिंग है लेकिन 213 लाइक्स है, ये गलत बात है भैया, लाइक्स बढ़ाओ यहाँ पे। देखिए कहते हैं कि पवन वन मैन आर्मी, ये तो पता चलेगा वैसे ही जब क्या होगा में सर, वन मैन आर्मी अर्जुन देसवाल को बोल सकते हैं। सही कहा सर आपने। तो सर आपको क्या लगता है कि जयपुर पिंक पैंथर जो है, जब अर्जुन देसवाल इतना बढ़िया इतना शानदार खेल रहे हैं तो वो भी उनका साथ देने के लिए आज कौन साथ आना चाहिए था, जो मुझे यहाँ पे कोई भी आज जो है दीपक निवास हुड्डा को ना खिला के शायद गलती कर दी, मुझे यही लगता है। तो दीपक निवास हुड्डा के साथ कोई मतलब यहाँ पे लड़ाई हो गई थी क्या? क्या पता सर, ये तो अंदरूनी अंदरूनी सूत्रों से पता लगवाना पड़ेगा। क्यों भैया सूत्रों से पता लगाओ, सूत्र लग गए नहीं तो यहाँ पे। और मोहम्मद नस्तात्री जो है सर, ये कौन सा प्लेयर है? आज मैंने मतलब मैंने देखा नहीं पूरी लीग में इस बंदे को। मैंने भी नहीं सर, अच्छा किया होगा, सोचा होगा जयपुर पिंक पैंथर ने कि क्या पता हार जाए आज, क्या पता नहीं कि क्या पता कि पुनेरी पलटन में यही सिक्का काम कर जाए और चल जाए पुनेरी, क्योंकि स्किल्स का पता नहीं होता है नए प्लेयर का, ये सारी चीजें होती है गौतम भाई।
तो भैया ये बातें हो गई। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कुछ तो सीन होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ेशन होने वाली है। आपको नहीं लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि अब जो टीम है वो आगे क्या जलवे बिखेरेगी? प्रदीप नरवाल के जलवों की जरूरत है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अब अगर हम इन प्लेइंग सिक्स की बात करते हैं, पटना की, दबंग की, यूपी की, गुजरात की, बेंगलुरु की, पुणेरे की, तो यहाँ पे मुझे सबसे मजबूत टीम जो है वो लग रही है। एक तो पटना और पुनेरी पल्टन सर, पुनेरी पल्टन बिल्कुल सर, आप और नहीं तो बिल्कुल सर। अगर और दूसरी टीमों की बात करें तो यहाँ पर दूसरी टीम है, जैसे मैं दबंग दिल्ली की बात करूँ, क्या अकेले नवीन पे डिपेंड थी? जब नवीन नहीं खेल रहे थे विजय पे डिपेंड हुई, तो यहाँ रेडिंग डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं नवीन के बिना लचर लग रहा है। और डिफेंस तो मंजीत के अलावा कोई ज़्यादा काम भी नहीं कर रहा है। यूपी योद्धा की बात करूँ, अच्छी टीम है, प्रदीप नरवाल सुरेंद्र गिल की जोड़ी रेडिंग डिपार्टमेंट में बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन नितेश और सुमित इकट्ठे चले नहीं है, एक ही मैच में चले थे जब 21 टैकल पॉइंट थे उनके। अगर यूपी योद्धा भी अच्छी टीम है पर मिला जुला काम हुआ तो बड़ा काम कर सकती है। यहाँ पर गुजरात जायंट्स की बात करूँ, सुनील प्रवेश चल रहे हैं, आज मैच में एक एक टैकल थे, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने एक ने हाई फाई और एक ने चार टैकल किए थे। ग्रीस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुजरात जायंट्स का भी डिफेंस अच्छा हुआ। रेडिंग डिपार्टमेंट में राकेश और महेंद्र राजपूत भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया है। बेंगलोर बुल्स की बात करूँ, अकेले पवन ही टीम को चला रहे हैं, जहाँ तक डिफेंस की बात करें, रेडिंग डिपार्टमेंट की बात करें। और पुनेरी पल्टन की बात करूँ तो सर, पुनेरी पल्टन में हर बंदे का सहयोग है, रेडिंग डिपार्टमेंट हो या डिफेंस में हो, पुनेरी पल्टन यंग टीम है। यंग टीम ने करके दिखा दिया है कि 7 सीजन वो प्ले ऑफ में पहुंच नहीं पाई थी, लेकिन 8वें सीजन प्ले ऑफ में एक यंग ब्लड ने, सर इसलिए तो बोलता हूँ कि यंग ब्लड ब्लड सॉरी कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, यंग ब्लड है भैया, आपका भी ब्लड जो है बड़ा यंग है, तो इसलिए यहाँ पे लाइक कर लो यार हमारी इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और पोल पे चलते हैं, यहाँ पे 537 वोट हो चुके हैं। देखिए सचिन तंवर, राकेश और मोहित गोयत के बीच में चल रही है पोल की लड़ाई, जो पोल है बड़ा हो रहा है। सचिन तंवर 43% वोट के साथ यहाँ पे नंबर वन पे है, और राकेश 18% वोट के साथ नीचे से मजा ले रहे हैं, और मोहित गोयल जो है 38% के साथ सैंडविच बने हुए बीच में। तो हर्ष कह रहे हैं, आई नो पटना आपसे बुलवा रहा है भैया, पटना पायरेट्स अगेन इन रॉ ऑफ ट्रॉफी। हंसराज कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे आप अगर देखिए, मैं यहाँ पे स्टैंडिंग टेबल की बात करूंगा, मैं यहाँ पे पॉइंट टेबल की बात करूंगा, तो पॉइंट टेबल पर आप खुद देखिए, पटना पायरेट्स और दबंग दिल्ली ऑब्वियसली बात है पहले जो दो टीमें क्वालिफाई करती है सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। यूपी का पुनेरी पल्टन के साथ मैच होगा, यहां पे मुझे लगता है कि यूपी योद्धा को अपना तन मन धन सब कुछ लगा देना चाहिए। जी बिल्कुल, वर्कआउट ज्यादा कर लेना चाहिए या स्ट्रेटजी ज्यादा बना लेनी चाहिए। जी हाँ, प्रदीप नरवाल जो है अब लाल तो है वैसे ये पटना का, लेकिन लाल कर देगा ये पुनेरी पल्टन को अगर प्रदीप यहां पे चलता है। तो सर आपको यूपी और पुनेरी का मैच ज्यादा खतरनाक लग रहा है या गुजरात और बंगलुरु का मैच ज्यादा आपको टफ लग रहा है? सर मेरे को यूपी योद्धा और पुनेरी पल्टन का मैच ज्यादा टफ लग रहा है, क्योंकि एक जगह प्रदीप नरवाल और एक जगह सारी यंग प्लेयर खेल रहे हैं। सही बात है। और गुजरात जायंट्स की बात करें तो गुजरात जायंट्स के पास ऐसा कौन सा आपको हीरा नजर आता है जो कि जो बंगलुरु को गेड़ा दे दे, गेड़ा वाली बात कर सकता है? गुजरात में सर देखो, सारे गुजरात में डिफेंस भी काम कर रहा है, रेडर भी अच्छा काम कर रहे हैं, राकेश की बात करें, महेंद्र राजपूत की बात करें, लेकिन बुल्स पे एक अकेला तारा है पवन सहरा। सही बात है, उसके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा। सही बात है। मैं अगर आपको बताऊं कि गुजरात जायंट्स की अगर किस्मत ठीक रही, सुनील परवेज की जोड़ी चली, सुनील आज के मैच में भी फीके दिखे हैं सर, मैंने ये सुनील और प्रवेश आज के मैच में, आज ग्रीश ने अच्छा काम किया, ये बात तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। सर ग्रीश जो है एक तब बड़े तगड़े डिफेंडर है, जिस तरह से वो डिफेंस कर रहे हैं, ग्रीश जो है मुझे लगा कि अकेला बंदा है ये सर, इससे पहले भी ग्रीश नो डाउट हर 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 बार हर मैच में ग्रीश अपना 100% देते हैं, लेकिन सर सुनील और परवेज की जोड़ी तो है धक्के से पहुंचाई गई है, ये राकेश के ऊपर श्रेय जाता है, कभी अजय के ऊपर श्रेय जाता है, तो इनके पास यहाँ पे जो यहाँ पे MGR है, MGR ने भी अब इस मैच में बढ़िया यहाँ पे साथ दिया है, लेकिन सर एक राकेश नरवाल नाम का इनके पास रेडर है और प्रदीप नरवाल का प्रदीप नाम के रेडर है, तो इन्हें मौका क्यों नहीं दिया सर?
सर प्रदीप नरवाल को, राकेश नरवाल और प्रदीप, राकेश नरवाल को स्टार्टिंग में मौका दिया था सर। अगर गुजरात की बात करें तो राइडिंग डिपार्टमेंट में राकेश को स्टार्टिंग में ही मौके मिले थे, अच्छा भी काम किया था, अच्छा भी खेले थे, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं खराब होने से राकेश नरवाल को मौके नहीं दिए जा रहे हैं। जी हाँ, तो फिलहाल 50 रुपए कटवाओ ओवर एक्टिंग के, कहते हैं भैया गौरव राठौड़। भैया 50 रुपए का 100 रुपए कटवाओ आप ओवर एक्टिंग के, लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे कि आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे हमारी इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। आप वीडियो को लाइक करके शेयर करो, मैं 100 रुपए कटवाने को तैयार हूँ यहाँ पे मोहित भाई के अकाउंट से। तो मोहित और सुरेंद्र राणा एक टीम में अभी मेरा ही नुकसान। अरे सर, आपके पास इतने करोड़ रुपए है, आपके पास हेलीकॉप्टर है, मर्सिडीज जैगुआर है, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी कारें हैं, कहाँ नहीं है भैया जी आपके पास, आपके पास सब कुछ है। तो मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है। तो आपको यहाँ तीनों मैचेस आप आज कैसे लगे, आज के तीनों मैचेस वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। बाबूलाल बिलाई का हमने यहाँ पे कमेंट नहीं लिया है, बाबूलाल बिलाई का कमेंट जरूर मैं पढ़ूंगा। सर आप बोल रहे थे कि फाइनल में पटना वर्सेज यूपी या पुणे, लेकिन यूपी वर्सेज पुणे एलिमिनेटर वन, पटना वर्सेज विनर और एलिमिनेटर वन सेमीफाइनल, यही फाइनल में। बहुत बड़ा मैसेज आपका, इतना बड़ा मैसेज है कि इसका सार मैं समझ रहा हूँ। देखिए जो सारी बातें एक तरफ है, लेकिन फाइनल जो है मुझे लगता है कि फाइनल में पटना जरूर पहुंचेगी और पटना के साथ दिल्ली के भी चांसेस अभी बने हुए हैं। देखते हैं कि दिल्ली को यहाँ पे कौन कौन जो है यहाँ टक्कर दे सकता है। पीयूष कुमार यादव, अर्जुन देसवाल ऑक्शन में आग लगाएगा नेक्स्ट सीजन में, 1 करोड़ कंफर्म है। सर अर्जुन देसवाल को अगर मैं बात करूँ आपके ऑक्शन की, तो अर्जुन देसवाल को रिलीज ही नहीं करेगी, इतने अच्छे रेडन मिले हैं इस सीजन में अर्जुन देसवाल और इतने अच्छे रेडर बने हैं, तो कौन रिलीज करने देगा? गौतम भाई अगर आप टीम के कोच होते तो आप रिलीज करते हैं उसको? ये तो मेरी सोच पे डिपेंड करता है, मैं नहीं करते रिलीज करूंगा। हम मोना डार्लिंग रहने दो। निलोय विश्वास कहते हैं मोहित सर आपको क्या लगता है कि आज के लास्ट मैच में, लास्ट दो डू और डाई में हरियाणा ने गलती कर दी, आशीष को जाना चाहिए था विकास की जगह, क्यों मोमेंटम उनके पास? बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे विकास पिछले दो मैचों से, तो क्यों विकास को भेजा गया? और विकास का एंकल होल्ड होने के बाद शायद स्ट्रगल भी नहीं किया, कोशिश भी नहीं कर पाए विकास, और आशीष को वहाँ 100% भेज देना चाहिए था। और वहाँ पर अगर एक पॉइंट भी आ जाता तो हरियाणा के हाथ में मैच आ जाता था कहीं ना कहीं पर। तो यूपी जीतेगी भाई, बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से लोगों का कहना है कि यूपी जीतेगी, कुछ पटना वाले कह रहे हैं पटना जीतेगी, दिल्ली वाले कह रहे हैं छोले भटूरे जीतेंगे। ये तो भैया देखेंगे हम कि कौन जीतेगा, ये तो वक्त बताएगा। भटूरे जीत रहे हैं कि लिट्टी चोखा जीत रहा है, ये तो वक्त के साथ अभी डिसाइड होगा यहाँ पे। लेकिन आज के जो तीनों मैच हुए बहुत शानदार हुए, जानदार हुए। लाइक जरूर करें आप हमारी इस वीडियो को, 296-299 लाइक में देख रहा हूं यहां पे हो चुके हैं, तो 300-350 तक इन लाइक्स को पहुंचाइए। और पॉइंट टेबल पे भी हमने बात कर ली, हमने हर एक इंसान पे, हर एक चीज पे हमने हमारी बात होगी। लेकिन सर कोच जो है, कोच की सोच का बड़ा फर्क पड़ता है। रामवीर सिंह की सोच थी आज, हम जैसे कह रहे थे कि आज मैं हरियाणा का साथ इसलिए दे रहा हूं, मैंने पहले ही बोला था गौतम भाई आपको कि अगर कोच की सोच पे डिपेंड होता है कि हरियाणा स्टीलर्स जाएगी या नहीं जाएगी, कोच के ऊपर था, कोच ने वही काम किया, अपनी मेंस टीम को ऊपर कर दिया। तो मुझे भी वही लगा कि देखिए आज जो मेन टीम थी उसको बड़ा लेके तो आए, लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही मकसद था हरियाणा को हराना है। तो अगर हरियाणा आज नहीं हारते तो वो ऑन पेपर जिस तरह से एक स्ट्रांग टीम है, खतरनाक टीम थी पूरे सीजन में, अभी तक सरवाइव कर गई, तो एक अपने आप में एक अच्छी टीम थी, मैं नो डाउट यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन विकास कंडोला का साथ देने के लिए सर मीतू जैसे प्लेयर इस बार जो है ज्यादा मौका मीतू को नहीं मिला था। मिला था सर मौका, लेकिन मीतू सच में जितना बड़ा नाम सुना था बाहर की लोकल टूर्नामेंट या नेशनल में, मीतू ने जितना काम किया था वो काम लीग में नहीं कर पाए, वो नहीं दिखा पाए अपना जलवा। ऐसी बात नहीं है सर, हर एक टीम में नए नए प्लेयर खेल रहे हैं, जैसे मोहित गोयत की बात करूँ मैं, मोहित गोयत का पहला सीजन था तो बड़ा अच्छा काम किया, जयदीप का पहला सीजन था तो नए यंग आए प्लेयर आए हैं, उनका सीजन पहला था और उन्होंने अच्छे नाम कमाए यहाँ पर। वैसे ही मीतू शर्मा को करना चाहिए था, लेकिन मीतू उस लेवल पे पहुंच नहीं पाए जितने लेवल पे उनका बाहर नाम चल रहा था। और रोहित गुलिया, रोहित गुलिया का सर नाम बड़ा अच्छा है, पिछले सीजन वो गुजरात से खेलते थे, फाइनल में टीम गई है और बड़े अच्छे खेल रहे थे, लेकिन इस सीजन ये उनका भी कहीं ना कहीं दबा हुआ दिखा, ऑफ रहा। लेकिन मुझे क्या लगा कि जय
जयदीप और मोहित का जो अगर बात करें हम यहाँ पे, दोनों डिफेंडर्स ने अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाया था और हरियाणा की जो ये टीम थी सच में मजबूत थी। पता नहीं, कई बार कुछ किस्मत की बातें हो सकती है, कई बार मुझे लगता है कि आपके आपके पक्ष में किस्मत नहीं होती है, तो यहाँ पे मैं किस्मत पे सारी बातें डालना चाहूंगा। फिलहाल आशीष नेगी जी का मैसेज यहाँ पे आया है, नेगी जी यहाँ पे आ चुके हैं हमारे बीच। मैं पुणे को सपोर्ट करता हूँ पाकिस्तान से, मिस्टर धानी। अरे हम तो पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, सच बताऊँ पाकिस्तान की जो खूबसूरती है हम उसको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में जो जो वहाँ पे जो मतलब आप लोगों का जो प्यार है इस इंडिया में खेलों के लिए, हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी बातें एक तरफ है, सब चलता रहेगा। यहाँ पे फुकरा इंसान कह रहा है माय फेवरेट टीम इज बैंगलोर वर्सेस गुजरात, कौन जीतेगा बताओ। देखिए फुकरे इंसान भाई, पहले तो फुकराबंदी छोड़ो भाई साहब। नहीं सर, करने तो हमारे जेब से क्या जाता भाई, खूब फुकराबंदी कर भाई, खूब मजे ले हैं। अब तो सारे होटल वोटल खुल गए हैं, जहां भी जाके तुम फुकराबंदी करना चाहते करो। लेकिन यहाँ पे मैड कृष्णा कह रहे कि मोहित एंड सुरेंद्र नाड़ा की एक टीम में खेलो और जो है एक बार आपको एक टीम में देखना चाहते हैं। फिफ्थ सीजन में क्या जोड़ी थी आपकी? देखिए जहां तक मुझे आपकी जोड़ी की बात याद है, आप तो जो इंटरनेशनल मैचेस हुए वहां भी आपकी जोड़ी चली। आपका जो है जब भी आप इकट्ठे हुए सर, तो एक मैं कहता हूं कि किस्मत जो है आपकी जेब में आके बैठ जाती है कि चलो भैया यही बैठ जाओ आज, और दोनों जो है बहुत ही शानदार आप काम करते हैं। लेकिन आज मुझे एक टैकल दिखा सुरेंद्र नाड़ा का, एंकल जो वो होल्ड करते थे पूरे सीजन में, गायब थी वो कला उनकी। देखा ना सर आज कैसा टैकल था, आपको लगा होगा कि 3 पॉइंट ना ले जाए, सुपर रन ना हो जाए, लेकिन पकड़ के ऐसा पीछे खींचा कि उसके बाद एक्सप्रेशन भी उनके बड़े सही थे, गुस्से वाले, जाने नहीं दूंगा पता कभी यूं अगली टीम को, कि जाने नहीं दूंगा ऐसे बोला कुछ। लेकिन अगली टीम ने उनके एक्सप्रेशन पकड़ लिया और शायद नहीं ऐसे बोलो ना, पता नहीं क्या बोला ये, आप मेरी लिपसिंग को जो है आप सिंक कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है ओके। तो यहाँ पे सूरज कह रहे हैं कि वाय राम मेहर सिंह इज अंडररेटेड, कौन कह रहा है अंडररेटेड है, मुझे एक बात बताओ आप। राम मेहर सिंह सर्विसेज के कोच है मेरे भाई, आप इनको अंडररेटेड नहीं कह सकते। कौन बोल रहा है अंडररेटेड है? मैं आपको बताऊं कि राम मेहर सिंह जो है प्रदीप नरवाल को बनाने वाला राम मेहर है। आप देखिए यहाँ पे पवन सेरावत को बनाने वाला राम मेहर है, आप देखिए सचिन को बनाने वाला राम मेहर है। तो सर जितने भी आज आपको टॉप के जो रेडर्स दिख रहे हैं उनके पीछे राम मेहर है, ही इज नॉट अंडररेटेड मेरे भाई। आप इस गलती को, गलतफहमी को मत चलने दीजिए। आपने मेरा कंप्यूटर ऑफ कर दिया यार, बताओ कोई बात नहीं, सॉरी करने की आदत नहीं है। पता है सर क्या हुआ, मेरे सामने ये रखा है लेकिन मैं आपके लैपटॉप में यूं नहीं मारता रहता हूं, मगर क्या चल रहा है, क्या दूसरों की थाली पे देखने के में बड़ा मजा आता है आपको, है सही नहीं? ये स्कूल की है ना, जब हमें कुछ नहीं आता था, दिखा देना, दिखा दे भाई, चलो दिखा देना, अभी नहीं दिखा सकता हूं यार। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि हेम कुमार बघेल कह रहे हैं यहाँ पे कि सर पुनेरी पलटन का फाइनल में जाने का कितने परसेंट चांसेस है, कितने परसेंट चांस लग रहे सर आपको? पुनेरी पलटन अच्छी टीम है सर और फाइनल में जा सकती है, लेकिन ये जो 21 तारीख को मैच है उस पर डिपेंड करता है, और पुनेरी पलटन जैसे आज खेली है वैसे ही आई होप 21 तारीख को अच्छा खेले। तो भैया अच्छा है बहुत अच्छा है, 400 लाइक मोहित भाई के अकाउंट से, 100 रुपए काटो भैया, बढ़िया कॉमेडी करते हैं भैया, काटो इनके अकाउंट से पैसा। लेकिन एक बात बताओ यार भैया, आप 400 लाइक के लिए पहले बोलो यहाँ पे, आज 400 लाइक नहीं होंगे तब तक हम नहीं उठेंगे, आज यहाँ पे अनशन चलेगा, क्रमिक अनशन। तो बोलो भैया 400 लाइक के लिए पहले आप कर दो यार, घर जाना भाई को, यार घर जाना भाई को, कर दो 400 लाइक यार प्लीज। जो संतराम सिंह है पटना पायरेट्स के लिए, उन्होंने इतना बड़ा जो है हरा हरा भेजा है, थैंक यू सो मच। तो भैया इतना बड़ा बड़ा जो आपने हरा हरा दिल भेजे हैं, तो हमें लगता है पाने का दिल बना लिया है, पान का पत्ता, वाओ। तो सूरज कहते हैं अब तो सुमो जो है बुड्ढी हो गई है, कोच बना, जवान है भाई, जवान है, टेंशन मत ले तू, हाँ पूरे जवान बढ़े ही भाई, बुड्ढे लिए सही बात है भाई, चीखे कटवा दे वाला ना। गौरव गायकवाड़ कह रहे मोहित सर सच में आपकी और सुरेंद्र नाड़ा की जोड़ी बहुत मिस कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सुरेंद्र नाड़ा और मोहित जी की जोड़ी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। हम इसके बाद जो कुछ हमारे जो यहाँ पे नेशनल लेवल के जो मैचेस हैं उनको खेलना और टीवी उनको कवर करेगा, लाइव कवर करेगा, और हरियाणा की जो 1 करोड़ी जो बस मुन्ना बस ज्यादा कबड्डी होगी उसके ऊपर भी हमारी बात चल रही है, हम उनको भी कवर करेंगे, ड्रोन से आपको दिखाएंगे हर घर में क्या हो रहा है, हर प्लेयर के घर में क्या हो रहा है। कमेंट लो जी सर, आज मैं ड्रिंक करूंगा जो है, हरियाणा हार गया भाई, 2 पैक मेरी तरफ से मार लिया भाई, सोडा डाल के थोड़ी सी बर्फ डाल के
सही से अपने बढ़ा के हिला के गटक जाइए भाई, ठीक है? ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो चलो सर, आज अब यहाँ पे परी मैच जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, प्रेडिक्शन टेबल पे आ रहा भाई साहब, बहुत टाइम हो गया बोलते हुए। यहाँ पे मोहित भाई कह रहे थे कि बस सब बथेरा हो गया भाई, सारे मुझे तो 11:30 पे इशारे आने हो गए थे। शुरू भाई चल ले अब भाई, बहुत होगी बात। तो प्रेजेंटेड बाय परी मैच, ये आ गया है आपके पास यहाँ पे प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 प्रेडिक्शन पॉइंट टेबल। मोहित छिल्लर 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 मोहित छिल्लर 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 मोहित छिल्लर 38 पॉइंट के साथ टॉप पर है, 34 पॉइंट के साथ आशीष नेगी सेकंड पे है, और हम तो नीचे से मजा ले रहे हैं भाई साहब, पीछे से। ओके, फिलहाल यहाँ पे ये रहा आज का हमारा परिमैच का पॉइंट टेबल। हेम कुमार बघेल कह रहे सर पुनेरी पल्टन का फाइनल में जाने का कितने परसेंटेज है? भैया 100% है, डोंट वरी यार, तू भी पैग मत मारने लग जाइयो। फिलहाल यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप जो है हीरो ऑफ द डे प्रेजेंटेड बाय परिमैच का आप रिजल्ट दिखाएं। अंकुश भाई यहाँ पे एक्वा हर्षल दिल भेज रहे हैं, मैड कृष्णा जो कहते हैं कि आमची हरियाणा गेली पान पुनेरी एली और गेली तेरे दुसार देली। भैया वाह भैया, क्या लैंग्वेज है, एली जेली बेली, क्या बात है भैया, वाह मजा आ गया ये पढ़ के आपका कमेंट। राम मेहर सिंह इंडिया के कोच थे, सर राम मेहर सिंह के बारे में कुछ कहो, ये इन्हें बोल रहे अंडररेटेड कोच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। देखो अगर प्रदीप का स्टार बनना और उनका जो रास्ता वो पुनेरी पल्टन सॉरी पटना पायरेट्स ने शुरू किया था, और राम मेहर सिंह एक अच्छे कोच है सर, इंडिया के कोच रह चुके हैं, तो मेरे को लगता है कि हम रामेश सिंह पे उंगली नहीं उठा सकते किसी भी तरह की। उंगली नहीं उठाने का क्या, उंगली 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 और खेल लो टीवी। अरे भाई मैसेज आया मोहित भाई को तेलुगु का कोच बना दो, अरे सुन रे तुम्हें कब जीतना है रे मैं ये नहीं बोलूंगा कोच बन के, कब जीतना है, अच्छा खेलना है, अच्छा खेलना जी। अरे सुनो रे तुमको नहीं जीतना, टाइटन ना रे। तो मुझे लगता है कि जो टाइटन है वो तो फिर डूब गया है, अब टाइटन का नाम ही ऐसा है, अरे महबूब मेरे बड़े अच्छे लगते हैं महबूब मुझे, लव यू फ्रॉम नेपाल कह रहे हैं। तो भैया ये दाई है अपने कि नबाटा जानियो क्या खानियो क्या पीनियो। अरे भैया बोलते हैं नेपाल के रास्ते, तो दाई क्यों बोलते हैं, दाई बोलते भाई, भैया जो भाई होते हैं उनको दाई बोलते हैं, दाई तो नेपाल के रास्ते दाई इंडिया आनियो, साइकिल मोटरसाइकिल लेके जानियो, गाड़ी हो तो सर गाड़ी लेके आनियो, यहाँ पे कोई बात नहीं है सर। आज तो पटना को भी पार्टी देनी चाहिए सेलिब्रेशन में। हाँ भाई चल रही है वहां पे, बात चल रही है, अभी डीजे वीजे चल रहा है, मुन्नी बदनाम शीला जवान सब नाच रही है, राखी सावंत को मैंने देखा है अभी थोड़ी देर पहले, वहां होटल के बाहर से खबरें आ रही थी मेरे पास। हाँ बायो बबल है तो चलो कोई नहीं, बायो बबल में नाच लेगी भैया, उसमें कहा है बायो बबल में अपना परफॉर्मेंस दिखा सकती है। गौतम भाई असिस्टेंट कोच टीम के मोहित भाई के साथ गौरव राठौड़ कह रहे हैं, हाँ भैया ये तो यही रह गई आप करने को है जी, चलो कोई नहीं कोच बन जाएंगे हम, हम अगर हम दोनों कोच बन गए भाई साहब कॉमेडी ज्यादा होगी, कबड्डी कम हो जाएगी वहां पे। हाँ ओके, घर जाना है नेगी भाई को भी, घर जाना है, रिजल्ट दिखाओ, बात आ रही है नेगी भाई, अभी आपको बताऊं कि उत्तराखंड जाके आए हैं, कुछ निपटा के आए हैं, किसी को पता नहीं क्या इतनी बड़ी खोखरी साथ लेके आए हैं। हीरो ऑफ द डे 60 प्रेजेंटेड बाय परिमैच, सचिन तंवर आज के परिमैच के सरपंच है, इनके लिए तालियां सीटियां बजी नहीं सर, और मोहित गोयत के लिए तालियां 38%, राकेश के लिए मेंबर बन चुके हैं आज, पोल कंप्लीट हुआ, 759 वोट आए हैं, बहुत ही बढ़िया आंकड़ा, 759 लाइक आ जाते तो और मजा आता, हम उछलते कूदते यहां से जाते। मोहित सर अनु कुमार कोच कर सर कैसे लगे, सब बढ़िया कोच है यार, सब मस्त है, बिंदास है फिलहाल। हाँ भैया आज के लिए इतना ही, मैं समझ रहा हूँ आपकी बिटिया ग्रासिया का फोन आ गया था कि पापा कब आओगे, जल्दी आओ टॉफी लेके आओगे, तो पापा आ गए बेटा ग्रासिया, पापा को हमने भेज दिया यहाँ से। ओके जी आप जाइए और अपनी बिटिया के साथ जो है जाइए, बोल दिया भाई, हाँ आप जाइए सर आप जाइए, ओके थैंक यू सो मच बाय बाय। मोहित भाई लव यू यार, आपसे मोहब्बत है, हैव अ स्वीट ड्रीम, अब जाओ मैं बोल दूंगा यार, ड्राइवर वेट कर रहा हूं, तो अकेले वो आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मेरी ओर से शुभ रात्रि, ओके जी आप सभी को, बाय बाय सो मच, थैंक यू जी, ओके बाय बाय सर, ये माइक दे दो ना सर, ले दे दो यार सर, ऐसा नहीं घर से इस पे बात नहीं होगी, रेंज इतनी दूर पकड़ नहीं पाएगा कैमरा हमारा, नहीं रहने दो। अच्छा फिलहाल आपको बता दूं मैं कि बोल कबड्डी खेल कबड्डी, कल मिलेंगे फिर आपसे, कल नहीं परसों मिलेंगे, डे आफ्टर टुमारो, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और देखते रहिए खेल लाओ टीवी, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में आप साथ दीजिए हमारा, थैंक यू सो मच।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों हाथ जोड़ के आज की रात्रि को एंजॉय कीजिए, और जो बोले दो पैग लगाने चार लगाइए, दिक्कत मत कीजिए। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया, ओके मैं भी चलता हूँ, है ना, कल परसों मिलेंगे, बाय।